रामदेव पीर ना प्रागट्य दिवस से श्री रामदेव पीर सेवा समिति द्वारा आशानगर थी लई बारडोली सुधी पद यात्रा नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। सूरत में वसता राजस्थान ना वतनी अने राजस्थानी लोको द्वारा श्री रामदेव पीर ना जन्मदिवस ना दिवसे अलग अलग प्रोग्रामों करवामां आवता होय छे। खास करीने राजस्थान में पण रामदेव पीर ना जन्मनी उजवणी करवामां आवती होय छे। त्यारे छेल्ला 12 वर्षथी सूरत में वसता राजस्थान परिवार ना लोको द्वारा विशाल व्यत पद यात्रा नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। तेमा महाप्रसाद तेमज अलग अलग धार्मिक रीतो साथे पद यात्रा निकली हती। त्यारे आ वर्षे पण आ पद यात्रा नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। तारीख 17 सप्टेम्बर 2023 एटले के रविवार ना दिवसे आ पद यात्रा उधना आशानगर हनुमानजी मंदिर खाते थी निकली, रोकड़े हनुमान अने कड़ोदरा थई बारडोली अखलधाम मंदिर आवेलु छे त्यां आ पद यात्रा पहुंची हती। अने तेने लई भावि भक्तों में भारे उत्साह जोवा मळ्यो हतो। अने रामदेवपीर सेवा समिति द्वारा आ वर्षे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम राखी आ पदयात्रा ने वधु में वधु सारी बनावानो प्रयत्न करवामां आव्यो हतो। रामदेवपीर सेवा समिति द्वारा तमाम भक्तों ने आह्वान पण करवामां आव्यो हतो कि आ रेली में जोड़ाय अने भगवान ने सुंदर मजानी जन्म जयंती उजवी शकाय ते माटे आह्वान करवामां आव्यो हतो। जन जन की जो भावना है वो तपस्या में कैसे परिवर्तित होती है, बारिश हो, धूप हो, पैर में छाले हों, फिर भी भगवान के प्रति जो निष्ठा है ना, उसे व्यक्त करने का, उसे समर्पण करने का एक ये बहुत अद्भुत दिन है। यहाँ पर जब चलते हैं तब केवल पैर और शरीर ही एक नहीं होता है, यहाँ मन और आत्मा एक होकर भगवान के साथ चलती है। और ये दर्शन और कहीं और प्राप्त नहीं होता है जो इस यात्रा में प्राप्त होता है। सनातन देखिए, ये पद यात्रा निरंतर 12 साल से निकल रही है। रामापीर सेवा समिति की भावना है कि समाज सुखी हो। हमारा सनातन धर्म सदैव था, रहा है और रहेगा। समाज की सेवा, समाज का दर्द दुख दूर रहे, बाबा रामापीर से आशीर्वाद लेने के लिए यह यात्रा निरंतर 12 साल से चल रही है। भावना यह है जो हमने बाबा रामापीर ने संदेश दिया है, समरस भाव, पूरा समाज एक होके रहे। समाज का दुख और दर्द हम व्यथा को जाने माने और उस ओर हम प्रयास करें समाज की सेवा की ओर, तो यह भावना भी है। बाबा रामदेव जी ने सनातन धर्म के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, हम भी सनातन धर्म के लिए। राहुल मकवाणा, GTV न्यूज़, सूरत।